सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस कथा के लेखक है द बेटर एडिक्शन। कट इट गुड शॉट नीलेश, ऐसे ही बढ़िया परफॉर्म करना है अगले वीक के शो में। ओके बैक अप एवरीबॉडी, आज के लिए इतना काफी है। नीलेश एक काम करो, तुम आज रात ना यहीं रुक जाओ मेरे साथ, कल सुबह चले जाना। इतनी रात कोनकीना होकर अपने घर जाना सही नहीं है। ये कहानी है 21 साल के युवा नीलेश की, जो शहर से थोड़ा दूर रामगढ़ नाम के गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में अपनी माँ के सिवा और कोई नहीं था। अपना घर चलाने के लिए नीलेश छोटा मोटा थिएटर करता था। वैसे तो रोज वो घर जल्दी आ जाता था, लेकिन रिहर्सल करते करते आज थोड़ी रात हो चुकी थी। रिहर्सल स्टूडियो और रामगढ़ के बीच में पड़ता है कोनकीना गांव। कोनकीना तो बस नाम का गांव है, कुछ लोग तो इसे मुर्दों का गांव भी बोलते हैं। किसी जमाने में यहाँ जन बस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज ये गांव खंडहर पड़ा है। लोगों का मानना है कि इस गांव में रात को जो गया वो कभी अपने घर नहीं लौटा। शायद यही वजह है कि डायरेक्टर रमन नीलेश को रोकने को कह रहे थे। नीलेश अभिमानी था और उसने डायरेक्टर की बात इनकार कर दी। क्या तुम्हें पता नहीं उस गांव में काली शक्तियां हैं? लोग बोलते हैं कि वहां किसी बुढ़े तांत्रिक की आत्मा है जो अपने जीवन काल में छोटे मोटे बच्चों की बलि चढ़ाता था। अरे सर, आप ये किन बहकी की बातों में फंस रहे हो? ये सब तो अफवाह है, और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि वो तांत्रिक मेरी बलि चढ़ाने के लिए वहाँ बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कल मिलते हैं रिहर्सल पर। ठीक है सर, गुड बाय। इतना बोलकर नीलेश वहाँ से निकल जाता है। वो सुनसान सड़क पर पैदल अकेले चला जा रहा था। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक टॉर्च थी। तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे। अंधेरे के सन्नाटे को झिंगूर की आवाज भंग कर रही थी। नीलेश जैसे ही कोनकीना पहुंचा तो एक काली बिल्ली उसके सामने अचानक से आ गई, जिसको देखकर नीलेश थोड़ा चौंक गया। उसको नजरअंदाज करके नीलेश आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसको ऐसा लगा कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसे वहां पर किसी और की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो पीछे उसको कोई नहीं दिखा। अचानक से उसके हाथ की टॉर्च बंद हो गई। नीलेश टॉर्च को हाथ से ठोक ठोक कर आगे बढ़ ही रहा था कि उसे कुछ बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज सुनकर नीलेश दंग रह गया। वैसे नीलेश को डर नहीं लगता था, लेकिन उस परिस्थिति में कोई भी होता तो वो डर ही जाता। आवाज को नजरअंदाज करते हुए नीलेश पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वह देखकर नीलेश पसीना पसीना हो गया। उसे चांद की रोशनी में कुछ बच्चों की परछाई दिखाई दी। यह देखकर नीलेश वहां से सीधा भाग गया। कुछ देर के बाद उसे एक बुढ़ा आदमी दिखाई दिया जो आग जलाए अपना मूंगफली और भुट्टे का ठेला लगाकर चले जा रहा था। उसको देखकर नीलेश की जान में जान आई। वो भागकर उसके पास पहुंचा और उसी के साथ आगे बढ़ने लगा। बाबूजी क्या खाओगे, मूंगफली या भुट्टा? इतनी देर रात आप इस गांव में कैसे? बड़ा अजीब गांव है, आपको डरने लगता क्या? अरे बाबूजी डर कैसा, मेरा तो यहाँ से रोज आना जाना है। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि इस गांव में किसी तांत्रिक की आत्मा है जो पहले बच्चों की बलि चढ़ाता था। आपको पता है क्या इसके बारे में कुछ? अरे बाबूजी 30-40 बरस पुरानी बात है ये तो। सुना है कि इसी गांव के लोगों ने मिलकर उस तांत्रिक को जिंदा जला दिया था। ये सुनकर नीलेश कुछ सोचने लग जाता है। अरे सुन रहा है मुंशी राम का पोता? इतना सुनकर नीलेश के होश उड़ जाते हैं और वो उस बुढ़े आदमी की तरफ देखता है। तुम मेरे दादाजी का नाम कैसे जानते हो? अरे वो भी तो था इसी गांव में उस तांत्रिक को जलाने में। इतना बोलते ही वो बुढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर
और उसकी दाहिने हाथ की लंबे भयानक नाखून देखकर नीलेश बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वो रास्ते में बिना कहीं रुके सीधा अपने गांव की तरफ भाग गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को देखा और बोला, एक गिलास पानी देना माँ। पानी पीने के बाद नीलेश अपनी माँ से बोला, अरे आज तो बहुत बुरा फंस गया था मैं कोकिना में, एक अजीब आदमी मिला था, उसकी बातें तो अजीब थी ही, साथ में कितने बड़े बड़े नाखून थे उसके। कैसे नाखून, कहीं ऐसे नाखून तो नहीं थे। अगली सुबह कुछ लोगों को कोकिना में नीलेश की लाश मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि नीलेश की मौत दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुई है और दिल की धड़कन रुकने का कारण था डर। पूछताछ करने पर पता चला कि नीलेश बीती रात अपने घर पहुंचा ही नहीं था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम कोशिश करेंगे।